योगी सरकार अगर कोई काम ठान लेती है तो वो उसे पूरा करके ही दम लेती है। काम करने का सीएम योगी का ये अंदाज सिर्फ यूपी ही नहीं पूरा देश देख चुका है। जब उन्होंने सीए विरोध के नाम पर हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों से ही नुकसान की भरपाई करवाई थी। सख्त मिजाज वाले सीएम योगी ने इस बार सूबे में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है और बाकी सरकारों की तरह सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि काम भी शुरू कर दिया है। योगी सरकार में फाइलें दबाई या टरकाई नहीं जाती बल्कि तुरंत एक्शन होता है। अभी कुछ ही दिन पहले सीएम योगी ने ऐलान किया था कि यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जाएगी। उनके इस ऐलान भर की देरी थी, पूरा प्रशासनिक अमला एक्शन में आ गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीएम योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 1000 एकड़ जमीन भी उपलब्ध करवा दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण वीर सिंह ने अपर मुख्य सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विभाग को पत्र लिखकर फिल्म सिटी के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि की जानकारी दी। इस पत्र में बताया गया कि फिल्म सिटी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में औद्योगिक भूखंडों के लिए 780 एकड़ और व्यावसायिक भूखंड के लिए 220 एकड़ यानी कुल 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिससे साफ हो गया है कि यूपी की फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगी। इधर जमीन उपलब्ध कराई गई तो उधर सीएम योगी भी इस सिलसिले में ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। सोमवार को ही उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मधुर भंडारकर ने सीएम योगी को फिल्म सिटी की योजना के लिए बधाई तो दी ही, साथ ही फिल्म बिरादरी से पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। यूपी में फिल्म सिटी की उठती रही है मांग। यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने की मांग गीतकार मनोज मुंतशिर लगातार उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि जब तमिल फिल्म इंडस्ट्री चेन्नई में, मलयाली फिल्म इंडस्ट्री केरल में, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री कोलकाता में है, फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री गैर हिंदी भाषी राज्य महाराष्ट्र में क्यों है। मनोज मुंतशिर ने हिंदी भाषी राज्यों में फिल्म सिटी न होने पर दुख जताते हुए सरकारों से इस ओर ध्यान देने की मांग की थी। उनकी इस मांग का कलाकार मालिनी अवस्थी ने भी समर्थन किया था, जिसके बाद बीते शुक्रवार को सीएम योगी ने यूपी में सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। सीएम योगी के इस ऐलान पर तमाम फिल्मी हस्तियां भी बेहद खुश नजर आईं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने तो कहा कि फिल्म सिटी भले यूपी में बन रही हो, लेकिन ये संदेश जाना बहुत जरूरी है कि ये फिल्म सिटी सिर्फ यूपी के लिए नहीं पूरे भारत के लिए है। सरकार के फैसले पर बॉलीवुड हस्तियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो आई थिंक आज का मौका जो है वो सेलिब्रेशन का है, आज का मौका साथ जुड़ने का है, आज का मौका मुझे लगता नहीं है कि सजेशन देने का है कि आप ये होना चाहिए। आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं, आप जिस तरह से सरकार चलाते हैं उसी तरह तरीके से आप श्योर आप फिल्म सिटी में भी वही प्रोफेशनलिज्म और वही एकाग्रता और वही ऑनेस्टी और वही हार्ड वर्क दिखाएंगे। आज जितने भी लोग यहाँ हम जुड़े हैं, कुछ लोगों को मैं देख सकता हूँ, कुछ लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं, आज हम आप लोगों को आपकी दृढ़ता में, आपके जो साथ है उसमें हम और जुड़ना चाहते हैं। आपको हमसे जो भी कुछ काम लेना हो, हमने इतने सालों की मेहनत की है, अब वक्त आ गया है कि वापस सोसाइटी को कुछ देना है। और एक मेरी सजेशन है कि इसको सिर्फ ये, हालांकि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में हो मगर ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की है, ये मैसेज लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। हम बहुत समय से चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने और वो सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन के लिए बहुत गंभीर है। और अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम इसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़ा अच्छा लगेगा जब हमारे लोग यहीं पर काम करेंगे, अपने प्रदेश में काम करेंगे, हमारे कलाकार, हमारे प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, म्यूजिशियन, सिंगर्स, ये मुंबई में जाके इनको भटकना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है अपना घर छोड़ के, तो अब उत्तर प्रदेश में इनको काम मिल जाए, हमारा सपना साकार हो रहा है। और यही वो वक्त है जब हम बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में ले आए। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो बनाने का निश्चय किया है, फिल्म सिटी बनाने का निश्चय किया है। ये बहुत अच्छी बात है
उत्तर प्रदेश ने कितना ही योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री में, कितने ही लोगों के कारण आज फिल्म इंडस्ट्री चमक रही है, वो उत्तर प्रदेश की ही है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूं और योगी जी को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। आई एम थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी फॉर अनाउंसिंग द बिगेस्ट फिल्म सिटी इन उत्तर प्रदेश नियर नोएडा। इट्स अ ग्रेट मॉरल बूस्ट टू द entertainment industry, especially the film television industry. On behalf of Indian Film and Television Directors Association, IFTDA, on behalf of FWICE, Federation of Western India Cine Employees, I thank Yogi ji for this great initiative he has taken to build a huge film city, the biggest film city in Uttar Pradesh. I assure Yogi ji that industry, various organizations, various technicians, various producers, the entire industry will stand by you in whatever support you need to build this biggest film industry. The film industry, the television industry, and the entire world of creative technicians, we really thank you and stand by you in this great effort of yours. Thank you, Yogi ji. Thank you very much.